ये जो येलो मार्क है ये आप लोग की लाइन है, ठीक है, येलो, और रेड से ओवर अलर्ट जाएगा तो मतलब आप बिल्कुल मुंह में बॉल है। ओके। ये डेंजर जोन है आपका, ना उससे आगे रेड से आगे जाना है ना इस रेड से पीछे रहना है, ठीक है। हम ऑरेंज पे, ऑरेंज पे, ठीक है, आप भी वार्म अप हो जाएं। आज क्या करना है भाई दा, चॉइस इज योर्स। स्लोर वन एंड लेंथ बॉल पे हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा टारगेट ये है, ठीक है, मैंने टारगेट लगा दिया है। ये हमारी कौन सी स्टंप होगी, फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप, फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, ठीक है ना। इसको अभी टारगेट करो, फिर यॉर्कर्स खेले, ना ये टारगेट को मैं नीचे ले जाऊंगा। आइडियल, टारगेट सबका ये होना चाहिए, सबका टारगेट ये होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एरिया है, ये टारगेट करोगे तो बॉल आगे आएगा। तो अपना पेस मेंटेन रखो ना, हाँ एक ही पेस पे, पेस एक ही मेंटेन रखो। अगर स्लोर रन वगैरह भी करनी है ना तो चेंज ऑफ आर्म को करो। स्लोर रन बात यही होती है, आप अपने ही एक्शन पे जा रहे और वहीं से आपका आर्म स्लो हो जाता है, लेकिन एक्शन आपका बॉडी का जो है ना वो सेम चल रहा है, बैटर वहीं पे जाके झटका खाता है ये अचानक क्या हो। तो उसमें अपना स्लोर बनाओ, जो लेग कटर करना है जो भी करना है उसमें क्या करो, स्लिप कर दिया करो फिंगर को यहाँ पे लाके, लेकिन तुम्हारा आउट स्विंग जो हो रहा है ना तुम अपने उसी पेस पे भागो जो जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो। पर इतना तेज भागना कि तुम अपने आप को जस्टिफाई करो, जब यहाँ आओ ना तो तुम्हारा पूरा ये पोजीशन बन जानी चाहिए, ठीक है ना। ये जो मार ये रखा है टारगेट को, ये इसके लिए रखा है कि बैटर को, बॉलर्स को पता चले कि यॉर्कर पे अब वो अटैम्प करेगी यॉर्कर बॉल्स को, तो ये यॉर्कर्स के लिए ये इसको टारगेट एक दिया है, तो ये यहाँ हिट करेगी तो बॉल एग्जैक्टली अगर इस पर हिट हुआ तो ये परफेक्ट यॉर्कर बनेगा। फुल अगर हुआ ना, तुम्हारे दो फील्डर पीछे हैं वैसे ही, तुम्हें अगर फुलर को खेलेगा भी तो ये मारेगा ना, तो वहाँ ही जाएगा बॉल, ये पीछे होता है ना तुम्हारा फील्डर, तो इस फुलर पे तुम बहुत ज़्यादा सेफ हो। इंस्टेड ऑफ पीछे, पीछे में तुम्हें कट पड़ जाएगा, तुम्हें अगर मिडिल स्टंप पे आया वो तुम्हारे को पुल कर जाएगा यहाँ से। आया और आइडियल बॉल हुआ है।